मैच जिसका 17 साल से था सबको इंतजार, एक मुकाबला जहां दुनिया के दो बड़े ऑलराउंडर्स का सामना हुआ आखिरी बार, well hit and beautifully faced. एक मुकाबला जहां क्रिकेट ग्राउंड बन गया असली जंग का मैदान। ये कहानी है वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की पहली भिड़ंत की। टेंशन तो था ही, लेकिन एक था कि हमको जीतना चाहिए। क्रिकेट के मैदान पर हुई एक ऐसी लड़ाई जहां हारना किसी को मंजूर नहीं था। वर्ल्ड कप में हर मैच जो था वो बड़ा जरूरी था हमारे लिए, कि हमने अब जीतना ही जीतना था। ये बड़ा प्रेशर वाला मैच था। तारीख थी 4 मार्च 1992, मैदान था ऑस्ट्रेलिया का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। वर्ल्ड कप के राउंड रॉबिन मुकाबले में भारत के सामने थी पाकिस्तान की टीम। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये वो दौर था जब बड़े मुकाबलों में टारगेट का पीछा करने का मनोवैज्ञानिक दबाव कोई टीम नहीं झेलना चाहती थी, क्योंकि कुछ नई चीजें थी, दो नई गेंदें थी, तो जरा बल्लेबाजों को आदत नहीं हुई थी खेलने की, बाउंस काफी था उन विकेटों पर। तो पहले अगर आप रन बनाते तो ये मन में था कि शायद मैच जीत सकते अगर हम 230 240 भी बनाए। पॉइंट्स टैली में दोनों ही टीमें पीछे चल रही थी। वर्ल्ड कप की रेस में बने रहने के लिए जीतना दोनों के लिए जरूरी था। भारत की पारी की शुरुआत के लिए रेगुलर ओपनर श्रीकांत के साथ रवि शास्त्री नहीं बल्कि अजय जडेजा। घुटने की इंजरी की वजह से रवि शास्त्री उस मैच में शामिल नहीं थे। जडेजा ने अपना करियर एज एन ओपनर ही किया था, बाद में जाके मिडल ऑर्डर में खेले, लेकिन ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मैच था। So this match underway with Wally McGrath. Off the glove and wide of the wicketkeeper. भारत की शुरुआत वैसी नहीं हो पाई जैसी भारत चाहता था। अकीब जावेद इज गोइंग टू टेक द न्यू बॉल फ्रॉम द रैंड अगेन। अ बिग अपील देयर एंड ही हैड अ लिटिल लुक एट दैट वन, इट लुक्ड एज़ इफ इट केप्ट लो। गेंद काफी स्विंग हो रही थी और ओपनर्स के लिए शुरुआती ओवरों में विकेट बचाना आसान नहीं था। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, स्टार बॉलर्स थे हमारे पास और कॉम्बिनेशन भी अच्छा था। ओपनर्स रन नहीं बना पा रहे थे और श्रीकांत जैसे अटैकिंग बैट्समैन तक के लिए चुनौती क्रीज पर टिके रहने की थी। Running and three will back up. श्रीकांत को इस बार किस्मत का साथ नहीं मिला। अपने स्वभाव के विपरीत 39 गेंद खेलने और झेलने के बाद श्रीकांत सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कृष्णमाचारी श्रीकांत के लिए ये अपना तीसरा वर्ल्ड कप था। 1983 में उन्होंने टॉप स्कोर किया था फाइनल में, 87 में भी काफी अच्छे स्टार्ट उन्होंने दिए थे, लेकिन 92 में उनका करियर कुछ खत्म सा हो रहा था और रन बन नहीं रहे थे उतने और इस मैच में भी उनके ज्यादा रन नहीं बने। मोहम्मद अशरुद्दीन इज द न्यू बैट्समैन फॉर इंडिया, द स्किपर ऑफ द साइड। रन रेट काफी धीमा था और पहला विकेट भी गिर चुका था। हालत को भांपते हुए कप्तान अजहर सिंगल्स लेकर जडेजा के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करने में जुट गए। दूसरे विकेट की पार्टनरशिप जमने लगी थी लेकिन रन अब भी धीमी रफ्तार से बन रहे थे। ऐसे में अजहर ने बड़े शॉट्स खेलने का फैसला किया। इमरान के एक ओवर में लगाए गए अजहर के दो चौकों ने टीम इंडिया से प्रेशर कुछ कम किया।
There's the 50 up for India in the 19th over. At the Paddington end and bringing Mushtaq, the leg spinner, into the attack. दूसरे एंड से जडेजा ने भी रनों की तलाश तेज कर दी. This time he's gone a little bit higher and a bit wider. दूसरे विकेट के लिए 50 रन की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी. अजहर और जडेजा अब एक मजबूत स्कोर की बुनियाद तैयार करते नजर आ रहे थे. The captain decides that he needs a bit of help. Just a one bounce into the side screen. That's out. He's caught behind, trying to cut it very fine and very hard. जंग हो या क्रिकेट का मुकाबला, हमला एक तरफा नहीं होता. पाकिस्तानी स्पिनर मुश्ताक अहमद ने अजहर का विकेट लेकर खतरनाक होती साझेदारी को सही वक्त पर तोड़ दिया. फॉर्म में चल रहे कप्तान अजहर का आउट होना टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था. ऐसे में मैदान पर आया वो खिलाड़ी जिसका इंटरनेशनल करियर कुछ ही महीने पहले शुरू हुआ था. Bat on to pad, 3 runs from the over. India are 2 for 89. Run rate फिर से गिरने लगा था और ऐसे में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी सेट बैट्समैन अजय जडेजा पर. This is in the air. There's a fieldman back, but he may not be far enough back. It's over the top for 4. It's in the air. It's a half volley. जिस वक्त जडेजा की जुझारू पारी का अंत हुआ, टीम इंडिया का स्कोर बड़ी मुश्किल से 100 रन तक पहुंच पाया था. इंडिया 3 for 101. 29वीं ओवर में जडेजा पवेलियन वापस गए और उनकी जगह मैदान पर जिस खिलाड़ी ने कदम रखा उस पर दुनिया भर की नजरें जम गईं. अपने पहले वर्ल्ड कप में बड़ा करिश्मा करने के इरादे लेकर सचिन तेंदुलकर क्रीज पर थे, लेकिन चुनौती बहुत मुश्किल थी. एक 18 साल के बच्चे के लिए पाकिस्तान का बहुत प्रेशर वाला मैच होता है, वो भी वर्ल्ड कप में जबकि सारी आंखें आप पे लगी होती हैं. एक तरफ सचिन तेंदुलकर थे तो दूसरे एंड पे विनोद कांबली. 4 साल पहले इसी जोड़ी ने स्कूल क्रिकेट में पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन ये स्कूल क्रिकेट नहीं बल्कि वर्ल्ड कप था और सामने था पाकिस्तान का मजबूत बॉलिंग अटैक. आकिब जावेद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उस वर्ल्ड कप में, वसीम अकरम शायद अपने पीक पर थे, खुद इमरान खान थे, मुश्ताक अहमद थे. तो पाकिस्तान की खास बात थी कि भले ही बल्लेबाज उनके इतने स्ट्रांग ना हो, लेकिन बॉलिंग साइड उनकी हर वक्त बहुत अच्छी होती थी और उनके खिलाफ रन बनाना उतना आसान नहीं हुआ भारत को. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर चौके छक्के लगाना आसान नहीं था. ऐसे में तेंदुलकर और कामली बहुत चालाकी से 1 रन को 2 रन में बदल रहे थे और 2 रन को 3 रन में. Session Tendulkar, as soon as it's a fraction short, he walks back onto the back foot. That's where he's going to do a great time. Over तेजी से खत्म हो रहे थे, लेकिन 7 विकेट हाथ में थे और लग रहा था कि तेंदुलकर और कामली की जोड़ी आखिर के ओवरों में धमाल मचाने को तैयार है. Stoney cuts on the offside. It could well be 4 again. That's superb batting by this young star. लेकिन तभी शुरू हुआ लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद का खतरनाक स्पेल. मुश्ताक अहमद ने उस वर्ल्ड कप में जब भी जरूरत थी विकेटें ली थी पाकिस्तान के लिए. और इस मैच में मुझे याद है एक युवा विनोद कांबली पहली बार उस मंच पर खेल रहे थे संजय मांजरेकर, दोनों को लगातार आउट करके उन्होंने भारत का काम और भी कठिन कर दिया था. मुश्किल घड़ी में आए कपिल देव के लिए रुकने और पिच को समझने का वक्त नहीं था. उन्होंने पहली ही गेंद से हमला शुरू कर दिया. Well hit and beautifully placed. That's why he's one of the all-time greats. Kapil Dev hitting over cover for 4. It's a big one over the top for 6. Kapil Dev opening his shoulders and smashing that one over the top of extra cover. सचिन और कपिल की मंशा साफ थी,
आखिर के ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना। रन रेट अब भी 4 से नीचे था और इस रफ्तार से स्कोर का 200 तक भी पहुंचना मुश्किल लग रहा था। कपिल की तेज बैटिंग ने अचानक माहौल बदल दिया था। स्टेडियम में शोर था और हर गेंद पर बाउंड्री की उम्मीद थी। कपिल देव का वो चौथा और आखिरी वर्ल्ड कप था और शायद वो जानते थे, इसीलिए बहुत जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। और छठे विकेट के लिए जो उनकी पार्टनरशिप हुई सचिन तेंदुलकर के साथ, वो बहुत अहम साबित हुई भारत के लिए। दूसरे छोर पर तेंदुलकर भी खुलकर खेल रहे थे। And again, that's a slow one. He's hit this one high in the air. Will he be out? It'll be six. Over the top she goes. तेंदुलकर की हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी थी। 50 or 57 balls. जिस हिसाब से वो खेले तो पता चल गया कि टेम्परमेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली तो वो हमेशा से स्ट्रांग थे और बाउंसी ट्रैक्स में उनको खेलने की खास महारत थी, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सचिन। कपिल हर गेंद पर बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे। सवाल यही था कि भारत का स्कोर अब कहां तक पहुंच पाएगा। इन द एयर एंड आउट। वर्ल्ड कप में दो महान ऑलराउंडर्स की पहली और आखिरी भिड़ंत में इमरान ने कैच पकड़कर कपिल को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन लौटने से पहले कपिल अपना काम कर चुके थे। What a good delivery. They're going to take a run. He'll have a go. Yes, he will. And he's hit the stumps. What a magnificent bit of fielding there by Wasim Akram. आखिरी ओवर में गिरे किरण मोरे के विकेट का दोनों टीमों के लिए कोई खास मतलब नहीं था। निगाहें थी तो बस फाइनल स्कोर पर। Got that one straight away to mid off. There'll be another one. स्लो ओवर रेट की वजह से 50 की जगह 49 ओवर हो पाए। आखिर के ओवर्स में कपिल और सचिन की तेज बैटिंग की बदौलत भारत 216 रन बनाने में कामयाब रहा। बेहद धीमी शुरुआत को देखते हुए ये एक सम्मानजनक टोटल था। पवेलियन लौटती पाकिस्तानी टीम जोश से भरी नजर आ रही थी। सवाल ये था, क्या 216 रन का स्कोर भारत के लिए काफी होगा? वनडे सितारों से भरी पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप इस स्कोर का जवाब आखिर किस तरह देगी? 1992 के ऐतिहासिक वर्ल्ड कप मुकाबले की आगे की कहानी जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। ये कहानी है 1992 के वर्ल्ड कप की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। टीम इंडिया ने जीत के लिए 217 रन का टारगेट रखा था। अब पूरा का पूरा दारोमदार गेंदबाजों पर था, दबाव दिगुना था। पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार वर्ल्ड कप में भिड़ने का दबाव, एक असाधारण मुकाबले में साधारण से टोटल को बचाने का दबाव और 1992 के वर्ल्ड कप मुकाबले में बने रहने के लिए जीत हासिल करने का दबाव। ऐसे में पारी की शुरुआत करने उतरे पाकिस्तान के नए बैटिंग स्टार इंजमाम उल हक और आमिर सोहेल। Kapil has the new ball in his hand. First ball. लड़ाई पहली ही गेंद से शुरू हो गई थी। बल्लेबाजी में जलवा दिखाने के बाद आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे कपिल देव बॉलिंग में भी जी जान लगा रहे थे। जल्द ही इस मेहनत का नतीजा भी सामने आ गया। गेंद स्विंग हो रही थी, पिच में बाउंस भी था। दूसरे एंड से हमले की जिम्मेदारी संभाली मनोज प्रभाकर ने। वेरी यूजफुल स्विंग बॉलर।
gets out. That time he's got the line, the length and everything right. कपिल देव तो कपिल देव हैं, लेकिन मनोज प्रभाकर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और इस वजह से शुरू से ही पाकिस्तान को वो रन चेस करना मुश्किल साबित होने लगा था। अब मैदान पर आए एक ऐसे बल्लेबाज जिनका बल्ला भारत के खिलाफ हमेशा गरजता था। भारी बाजी पलटने में माहिर मियादाद के सामने गलती भारी पड़ेगी, इसका अंदाजा टीम इंडिया को अच्छी तरह था। हालांकि शुरुआती झटकों की वजह से रन रेट धीमा था, लेकिन सोहेल और मियादाद की पार्टनरशिप अब जमने लगी थी। सोहेल एक एंड से रन बटोर रहे थे तो मियादाद ने अपने लिए एंकर रोल चुना था। भारत के पास पाकिस्तान पर दबाव डालने का सिर्फ एक रास्ता था, जितनी जल्दी हो सके पार्टनरशिप तोड़ना। चौके छक्के नहीं लग रहे थे, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्रीपिंग इन आउट देयर विद द बैट्समैन। विकेट भी नहीं गिर रहे थे, लेकिन क्रिकेट का संघर्ष अपने चरम पर था। Shouts there, but bowler followed on. Kieran Murray was the one who went up. मनोवैज्ञानिक लड़ाई अचानक शब्दों की लड़ाई में बदल गई। And Javed will just make his point now and say, "Hang on a moment, son, and excuse me, Mr. Murray. Would you mind not talking while I'm facing up?" Chatter, chatter, chatter. Who me? Umpire Shepherd having the last say, telling the non-striker to get back in his crease and let's get on with this match. मैदान पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा उस टेंशन का नतीजा था जो भारत पाकिस्तान के मुकाबलों में देखने को मिलता है। And not out is the final decision. yes, he's never stuck. Javed, it's 2 for 85. उस मैच की जो यादगार तस्वीर मेरे जो जहन में रहती है वो जावेद मियादाद का किरण मोरे की नकल उतारना है, तो एक ही वो अच्छा फनी मोमेंट हमें उस मैच में नजर आया जो बड़ी स्क्रीन पे जिस तरह से वो कूदे। Well, a little bit of a conversation going on here. I think Azharuddin is trying to work out what the situation is. Javed's going to put his duffence worth in. There was never any doubt about that. कप्तान अजहर भी तनाव में थे और दर्शक सोच रहे थे क्या ये घटना मैच के नतीजे पर कोई असर डालेगी? Provoked the whole thing by dobbing in Murray. He certainly livened up proceedings and got people jumping around the place. That's it! 50 for Sahail, and he's been a good contributor for Pakistan. It's 2 for 88. 17 रनों पर 2 विकेट्स गिरने के बाद अब आलम ये था कि स्कोर 100 तक पहुंच चुका था, रन रेट भी लगातार बेहतर हो रहा था। फिफ्थ बॉलर कोटा पूरा कर रहे सचिन से कप्तान अजहर को यही उम्मीद थी कि वो रन रोकेंगे। And well taken. That's a good catch. Chris Srikanth there coming forward and taking a good catch at mid-wicket, just a few centimeters above the turf. लेकिन 18 साल के सचिन ने उम्मीद से कुछ ज्यादा कर दिखाया। एक टर्निंग पॉइंट था उस मैच में जब सचिन तेंदुलकर ने आमिर सोहेल को आउट किया। जितना अहम उनका रन बनाना था, मुझे लगता है शायद वो विकेट जो उन्होंने ली, शायद उसकी अहमियत उतनी ही थी। Malik is a very good player. He's too good a player to keep missing out. That's a nice start for him. So the best way to get in front is to get aggressive. अनुभवी सलीम मलिक ने आते ही जिस अंदाज में बैटिंग शुरू की, उसे देखकर यही लगा कि वो जल्द से जल्द मैच जीतना चाहते हैं। It's a well-struck shot from Salim Malik. He's a very talented player, a very good timer of the ball. They're all important runs. ऐसे में कप्तान अजहर ने अचानक
मनोज प्रभाकर से एक नया स्पेल शुरू करने को कहा। He's taken by Kieran Morey. Little bit of width there as well. Prabhakar all steamed up about it. He's delighted. अचानक दो विकेट गिरने से मैच फिर से भारत के पक्ष में आ गया था। And now Pakistan 4 for 127. बेशक हमारी प्रोग्रेस स्लो थी, मगर हमारे पास विकेट हाथ में थी, एक सेट बैट्समैन खेल रहा था और अच्छा खेल रहे थे वो। तो मेरे हिसाब से उस मैच में जो हमारी तरफ से 19-20 हुई, वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट था जब सलीम मलिक आउट हुए। कपिल देव की तरह इमरान खान का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप था। इस टूर्नामेंट में इमरान अच्छी बैटिंग कर रहे थे। अब पाकिस्तान को उम्मीद थी एक कप्तानी पारी की। कन्फ्यूजन, तालमेल की कमी, एक दूसरे पर भरोसा ना होना, पाकिस्तानी क्रिकेट में इमरान और मियादाद के रिश्तों को लेकर जो किस्से प्रचलित हैं, वो मैदान पर साकार होते दिखे। गलती किसकी थी कहना मुश्किल है, लेकिन एक बहुत बड़े मुकाबले में इमरान बिना खाता खोले आउट हो चुके थे। पाकिस्तान 530 इन सम ट्रबल। कप्तान का पतन धीरे धीरे पाकिस्तान के पतन में तब्दील हो गया। Oh, and he's got him. Yes, outstumped. Raju has struck, and Wasim Akram has outstumped. It's a bowl, and he's got him off the inside edge. Well, that's it for Pakistan. Their star player now on his way back. 110 गेंदों के संघर्ष के बाद मियादाद ने श्रीनाथ के आगे घुटने टेक दिए। Pakistan now 7 for 141. भारत के लिए जीत का दरवाजा अब खुल चुका था। Roy has given that one heaps, but he's going to be caught. What a good shot to get out to. He's hit it right off the meat of the bat. It's gone flying away down towards the boundary at point. पाकिस्तानी विकेट्स सूखे पत्तों की तरह गिरते गए। There's a chance for a run out. Choi, got to be gone. He's gone by mile. Yes, sir. It's all happening for India. Panic in the Pakistan camp. Good take by Kapil Dev. Pakistan now 9 for 166. Kapil Dev's enough to bowl the final over. And he's got him. So that's it. Clean bowled off the first ball. A great win for India at the Sydney Cricket Ground. श्रीनाथ के इस आखिरी विकेट के साथ टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 173 रनों पर समेट दिया। भारत की ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की, और उससे हम बिल्कुल गिर गए थे। वो मैच हारने के बाद ऐसा लगता था जैसे कि हम अब घर चले जाएंगे। 217 रन का टारगेट छोटा था, लेकिन टीम इंडिया के बॉलर्स और फील्डर्स ने उसे अपने हौसले से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बना दिया। पहली बार भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया और एक सिलसिला सा बन गया। उसके बाद भारत कभी हारा नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में, तो एक तरह से एक यादगार शुरुआत थी। 62 गेंदों पर 54 रन की शानदार पारी खेलने और पाकिस्तान के सबसे सफल बल्लेबाज आमिर सोहेल को आउट करने के लिए सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द मैच मिला। वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच हासिल करने का सचिन के लिए ये पहला मौका था। ये सफलता तो एक शुरुआत थी। सचिन तेंदुलकर के महान और कभी ना भुलाए जा सकने वाले क्रिकेट करियर की।